हेलो दोस्तों, अहोई अष्टमी आने वाली है और अहोई अष्टमी 2023 में 5 नवंबर रविवार की पड़ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, ये व्रत जो है निर्जला रखा जाता है और अपने बच्चे की दीर्घायु और उसके खुशहाली के लिए रखा जाता है और निर्जला रखा जाता है। अगर निर्जला नहीं रख सकती मतलब आप, तो चाय पानी पीकर भी इस व्रत को रख सकती हैं और शाम को चंद्रमा देखकर या फिर तारों को देखकर इसका व्रत खोला जाता है, यानी उनकी पूजा करने के बाद, उनको अर्घ्य देने के बाद। एक बात तो ये आती है, और शाम के समय कथा का भी श्रवण किया जाता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन जो है आपको कुछ काम बताएं जो नहीं करने चाहिए। पहला काम है कि अहोई अष्टमी व्रत के दिन स्त्रियों को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से बचें। दूसरी बात, महिलाओं को अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत की पूजा आरंभ करें तब सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और लाल रंग की साड़ी, गुलाबी रंग की साड़ी या पीले रंग की साड़ी पहने, यानी कि लाल, पीले और गुलाबी वस्त्र ही पहने। तीसरी बात, अहोई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ देने के लिए नहीं करें। इस व्रत की पूजा में पहले से इस्तेमाल की हुई पूजा सामग्री का भी प्रयोग दोबारा ना करें। अगर आपने किसी में पूजा की है तो उसका भी प्रयोग ना करें। चौथी बात, इस दिन खान पान में प्याज लहसुन का प्रयोग करने से बचें। अहोई अष्टमी के व्रत दौरान महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए और बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका मतलब उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ऊटपटांग नहीं बोलना चाहिए, झूठ झल कपट नहीं इस दिन करना चाहिए, यानी कम से कम एक दिन तो इन चीज़ों से बचें। तो दोस्तों, अगर आप अहोई माता का व्रत करने जा रही हैं तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें और शाम के समय कथा का श्रवण करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें या तारों को अर्घ्य दें और फिर व्रत को खोलें और कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि बिना कथा के श्रवण से ये व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें, नमः शिवाय जरूर लिखना है आपको। ये आप करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी भी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।